आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, तुमने इस युद्ध में मेरा साथ देने का वचन दिया है। आज वो समय आ गया है जब तुम्हें ये साबित करना है कि तुम अपने वचन के पक्के हो। भीम और अभिमन्यु का वध कर दो और उनका शीश मेरे पास लाओ। आप मुझसे मेरे ही रिश्तेदारों का वध करवाना चाहते हैं महाराज? चाहता नहीं हूँ, तुम्हें करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें अपने रिश्तों की चिंता है या वचन की। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वचन तोड़ने वाला कहूँ? जी नहीं, मैं आपके आदेश को पूरा करूंगा महाराज। शाम होने तक आपको उनके शीश मिल जाएंगे। अति उत्तम अभिमन्यु, तुम सचमुच अपने पिता के ही संतान हो। नाना शल्य, आपने मेरे पिता का नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया? आपके मुख से मेरे पिता का नाम शोभा नहीं देता धोखेबाज नाना। आप भूल गए कि कभी आप तात युधिष्ठिर के साथ मदिरा पान किया करते थे और आज आपने उनके ही भाइयों को बेड़ियों में जकड़ लिया है। साफ दिख रहा है कि आप दुर्योधन के पालतू कुत्ते बन चुके हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मैं एक योद्धा हूँ। सच तो यह है कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं, जिसे अपने ही रिश्तेदारों से धोखा करने पर बाध्य कर दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चाचा भीम ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि हम पांडव कभी मूर्खों से नहीं हार सकते। भी मुझे जकड़ा नहीं जा सकता और मेरे प्रतिशोध की प्यास किसी भी हाल में आज तो नहीं बुझने वाली। नहीं, भीम फिर से मुक्त हो गया। असंभव। गुरु द्रोण, समय आ गया क्या? जी हाँ महाराज, सूरज ढलने वाला है, हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। किस बात का समय आ गया है? तुम क्या करने वाले हो दुर्योधन? मैं कुछ नहीं करूंगा, आप करेंगे पितामह। इस और अस्त्र का उपयोग करके पांडवों को समाप्त कीजिए। क्या सौर अस्त्र? परंतु महाराज, ध्यान रहे, युद्ध भूमि में हमारे सैनिक भी हैं। मैं जानता हूँ, बस वो कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। जो आज्ञा महाराज दुर्योधन। हाँ, आकाश से अग्नि की वर्षा करवाइए, इस पृथ्वी से पांडवों का नाश कर दीजिए। शत्रुओं को भस्म कर दीजिए। मेरे सैनिक भी मेरे सम्मान के लिए जलकर अपने प्राणों की आहुति देंगे।